श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र बेहद प्रिय था। वैसे तो श्री कृष्ण के पास कई सारे अस्त्र थे, लेकिन दुष्टों के संगार में श्री कृष्ण अधिकतर सुदर्शन का ही प्रयोग करते थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र इतना प्रिय क्यों था और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। श्री कृष्ण को चक्रधर के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चक्र धारण किया हुआ है। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण का अमेघ अस्त्र माना जाता है, अर्थात श्री कृष्ण के इशारे भर मात्र से ही यह चक्र दुष्टों का सर्वनाश करके पुनः श्री कृष्ण के पास लौटता था। ग्रंथों में जहां एक और सुदर्शन को किसी भी दैवीय अस्त्र के मुकाबले सबसे ज्यादा भयंकर माना गया है, तो वही सुदर्शन के लिए इस बात का वर्णन भी मिलता है कि श्री कृष्ण ने अपने इस अस्त्र को काया प्रदान की थी, जिससे सुदर्शन चक्र युद्ध के दौरान अस्त्र बन जाते थे और सामान्य परिस्थिति में एक मानव शरीर धारण कर लेते थे। शास्त्र और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव प्रेत दुष्टों के संग्रह के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण किया था, मगर भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र का तेज देखा तो उनकी सुदर्शन को धारण करने की इच्छा हुई। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को भेंट स्वरूप सुदर्शन चक्र सदैव के लिए दे दिया था। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु के आठवें अवतार ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब श्री हरिनारायण ने अपने इस अवतार में चक्र को ही अपना मुख्य और प्रिय अस्त्र बनाया। पौराणिक कथाओं और कृष्ण लीलाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिशुपाल पर किया था। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के बेटे थे, जो कि बहुत ही दुराचारी थे, लेकिन उनके 100 पाप माफ करने के बाद श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए और उन्हें मुक्ति दिला दी। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अपने आठवें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी, साथ ही शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, तो ऐसे प्राप्त हुआ था श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र। तो दोस्तों, फिलहाल आपके लिए बस इतना ही। अगर नहीं पता कि कलयुग में भगवान विष्णु कौन सा अवतार लेने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद।